और सब बच्चों क्या हाल चाल, आई होप की सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग सर्कल में जो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़े हुए थे उस डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पे आधारित कुछ और अच्छे सवाल करने वाले हैं। आज जो क्वेश्चन है वो ITJEE में पूछा गया सवाल है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ITJEE में पूछा गया जो सवाल होता है बड़ा टेक्निकल होता है और उसमें कुछ ना कुछ आपको खूबसूरती आपको दिखेगी। आइए उस सवालों की खूबसूरती से हम आपका परिचय कराते हैं। और सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले सारे लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन को ओपन करके देखिए, वहाँ पर लिंक होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। सर्कल चैप्टर का जितना भी वीडियो है टोटल वीडियो का प्लेलिस्ट आपका खुल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ITJEE में पूछा गया ये सवाल, कहता है अ ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 इफ क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4 एंड -4,3 देन एंगल PQR इज। अच्छे से समझिए, आइए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, तब आप काफी अच्छे से समझिएगा। चलिए समझ तो जेबी ना कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो प्लीज शेयर किया कीजिए। ये क्या है, एक्स एक्स डैश है, ई वाई वाई डैश है सर, ये क्या है सर, ओरिजिन है। चलिए अब ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल का इक्वेशन जो दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन है बच्चा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है सर, 25। अगर मैं इसको देख करके कहूं कि तुम जरा इसका सेंटर लिखो तो बच्चा क्या लिखोगे, सेंटर सर 0,0 है सर, 0,0 इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0। आइए 0,0 तो सर्कल का सेंटर 0,0, आइए तो इसी को सेंटर मान करके हम एक सर्कल बना देते हैं, ये आपका प्यारा सा सर्कल बन गया। अब बउआ जब ये सर्कल बन गया तो अब क्या कहता है कि क्यू और आर, ट्रायंगल PQR जो है इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर और क्यू और आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सर क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,4। रे बउआ ये पॉइंट 3,4 जो है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, सर वो पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो वो किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये 3,4 जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा आपका 3,4। चलिए अब सर दूसरा जो है ये, अच्छा ये क्यू है और आर का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, -4,3 है, तो -4,3 तो सर एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा सर, तो ये पॉइंट जो है आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -4,3 तो वो यहां हो जाएगा -4,3, ये आपका आर हो गया सर। तो कहता है एंगल PQR क्या होगा, आइए आप पहले ट्रायंगल बना लेते हैं सर, ट्रायंगल तो इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए सर, अब पी कहीं पर हो सर, नीचे ऊपर कहीं, मान लेते हैं सर यहाँ है आपका, तो चलिए तो ये हो गया सर और ये आपका हो गया, ठीक तो यहाँ आपका पी, तो अब आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PQR सर, P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, आप यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, कहीं बना लीजिए। अब चलिए अब हम आपको एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है सर, इस Q को सेंटर से मिला दीजिए, इस R को भी सेंटर से मिला दीजिए सर, इस Q को क्या कहते हैं हम, सेंटर से मिला दिए, क्यों मिला दिए सर, अभी आपको दिखे क्यों मिला दिए, इस आर को भी सेंटर से मिला दी। अब सर नाइन्थ क्लास का ये थ्योरम है कि सर ये सेंटर पे जितना एंगल बनाता है ना सर, ये अगर कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाता है
उसका ठीक आधा एंगल सर्कल पे बनाता है ना, बात समझ रहे ना सर। ये कॉर्ड कोई भी कॉर्ड सर सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसका ठीक आधा एंगल सर्कल पर बनाता है। तो यहाँ अगर हमको ये वाला एंगल किसी तरह पता चल गया सर, ऑटोमेटिक ये एंगल पता चल गया। तो सर हमको पूछता तो यही एंगल ना है, एंगल क्यू पी आर, सॉरी एंगल क्यू पी आर पूछ रहा है, एंगल क्यू पी आर क्वेश्चन, लिखने में हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। तो एंगल क्यू पी आर आपसे पूछा जा रहा है सर, तो कैसे पता करेंगे सर? तो हमने कहा तुमको कि किसी तरह बउआ ये ओ क्यू और ओ आर जो है, सॉरी क्यू ओ आर, ये एंगल क्यू ओ आर जो है सर, किसी तरह अगर आप इसका मान निकाल लेते हैं तो एंगल क्यू पी आर का मान निकालना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चलिए सर कैसे निकालेंगे? सर किसी दो लाइन के बीच, हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं कि कोई भी दो लाइन के बीच अगर एंगल निकालना हो तो पहले उसका स्लोप निकालो। हम टेन थीटा बराबर बताए हुए थे, एम वन प्लस एम टू बटे वन माइनस एम वन इंटू एम टू। फिर इसके नीचे में हम कुछ कंडीशन लिखाए थे, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है सर, एम वन बराबर एम टू, दो लाइन पैरेलल तब होता है सर जब दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। और दो लाइन परपेंडिकुलर तब होता है सर जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो माइनस वन के क्या हो, बराबर हो। बात समझ रहे हैं ना? चलिए तो आइए सर ऐसा करते हैं, इस दोनों का स्लोप निकालते हैं। इसके स्लोप को अगर मैं बोल दूं एम वन, अगर इसके स्लोप को मैं बोल दूं एम टू, एम वन और एम टू जरा निकाल करके देखिए क्या होता है सर। सर एम वन हमने निकाला, एम वन कैसे निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो फोर माइनस जीरो अपॉन थ्री माइनस जीरो। तो सर ये तो आ गया आपका 4/3। अच्छा सर M2 निकाल लीजिए, M2 कैसे निकलेगा सर, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस जीरो माइनस फोर माइनस जीरो, थ्री बाय माइनस फोर। सर M1 आ गया और M2 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो M1 इंटू M2 करके देख लेते हैं कुछ आ रहा है क्या, 4/3 इंटू 3/-4। सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, सर ये तो माइनस वन आ गया। ओह गजब हो गया सर गजब, M1 और M2 का प्रोडक्ट सर माइनस वन है। तो पता चल गया कि सर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन क्या है सर, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब सर ये ओ आर और ओ क्यू जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब सर एंगल क्यू ओ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर कितना सर, 90 डिग्री आ गया। अब ये चूंकि 90 डिग्री आ गया सर, तो यहां जितना एंगल बनता है उसका ठीक हाफ एंगल बनता है सर्कल पर। तो कोई कॉर्ड जो है सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसका हाफ एंगल सर्कल पर सबटेंड करता है। तो सेंटर पे जितना सबटेंड करेगा उसका हाफ कर देंगे, तो सर सेंटर पे सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन। तो जरा बोलो यहां कितना बनेगा, जाहिर सी बात है सर 90 डिग्री बटे 2। हम यहां लिखेंगे अच्छे से, कहां पे जगह है सर, यहां पे जगह, हम लिखेंगे एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर बाय 2। तो आ गया सर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू ओ आर, तो अभी अभी हमने निकाला है 90 डिग्री, तो सर बटे 2 हो जाएगा। अब बताओ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 45 डिग्री। और जानते हो बच्चा इसी को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था आईआईटी जेई का पूछा हुआ बिल्कुल आसान सा सवाल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच इसको फैला दीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।